हेलो एवरीवन आज हम करने जा रहे हैं द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रेडल एक्ट ऑफ 2003 कब का ये एक्ट है एक्ट है 2013 का तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसके अरेंजमेंट ऑफ सेक्शन से तो ये एक्ट देख लो एक बार 2013 का है अब इसमें कितने चैप्टर्स हैं ये देखो इसमें है टोटल एट चैप्टर्स कितने चैप्टर्स हैं इसमें टोटल आठ चैप्टर्स हैं इसमें ठीक है अब इस एक बार चैप्टर्स को हम लोग देख लेते हैं इनकी हेडिंग्स देख लेते हैं फिर इसके बाद हम देखते हैं कि चैप्टर्स को हम कौन से ट्रिक से याद करेंगे तो सबसे पहले आ गया चैप्टर नंबर वन प्रीलिमिनरी देखो मैं प्रीलिमिनरी की प्रीलिमिनरी का डायग्राम कभी भी नहीं बनाती हूँ चैप्टर नंबर टू है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी देन इसके बाद दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकल कंप्लेंट्स कमिटी उसके बाद है कंप्लेंट देन चैप्टर फाइव है इंक्वायरी इंटू कंप्लेंट चैप्टर सिक्स है ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर चैप्टर सेवन है ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और एट है मिसलिनियस ये हो गया हमारा तो हम लोग फर्स्ट पार्ट ऑफ ये करते हैं ट्रिक्स चैप्टर नंबर टू और चैप्टर नंबर थ्री किसके बारे में बात करता है कमेटी के बारे में बात करता है ये क्या हो गई ये सारे लोग मिलकर के क्या बना रहे कमेटी बना रहे हैं अब दो कमिटीज बनी है पहली कमेटी बनी है कौन सी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी ये कौन सी कमेटी है ये पहली कमेटी है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी है सेकंड कमेटी कौन सी है लोकल कंप्लेंट्स कमेटी वो कहाँ पे बनेगी जहां पे इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी नहीं बनेगी ठीक है तो दो कमेटीज हो गई अब इस कमेटी के पास क्या जाएगी कंप्लेन जाएगी और उस कंप्लेन की क्या होगी इंक्वायरी होगी चैप्टर नंबर फाइव में अब इंक्वायर अब देखो कंप्लेन में ऑलरेडी एक सेक्शन है इंक्वायरी इंटू कंप्लेन का और उसी में एक चैप्टर निकाल दिया है चैप्टर नंबर फाइव इंक्वायरी इंटू कम्प्लेन तो ये जो इंक्वायरी इंटू कम्प्लेन है ये इंट्रोडक्शन देगा बताएगा इंक्वायरी के बारे में और ये वाला जो इंक्वायरी इंटू कम्प्लेन ये बताएगा ड्यूरिंग और आफ्टर ड्यूरिंग एंड आफ्टर इंक्वायरी इंटू कम्प्लेन उसके बारे में बताएगा चैप्टर नंबर फाइव इसके बाद आता है चैप्टर नंबर सिक्स जो कि बात करता है ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर फिर इसके बाद चैप्टर नंबर सेवन बात करता है ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर तो इधर क्या है ड्यूटीज आ गई हैं एम्प्लॉयर की और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की और एट में है मिसलेनियस तो अब हम स्टार्ट करेंगे किससे प्रीलिमिनरी से देखो प्रीलिमिनरी में सच कुछ है नहीं कुछ डेफिनेशन है हम लोग को बस वही डेफिनेशन देखनी है सबसे पहले हम इस एक्ट में क्या देखेंगे द एक्ट इस टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्शुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एंड फॉर द प्रिवेंशन एंड रिड्यूल ऑफ कंप्लेन ऑफ सेक्शुअल हैरेसमेंट ऊपर लिखा हुआ है यही ठीक है और इसके साथ साथ जो भी मैटर्स उससे कनेक्टेड है अब इसके बाद क्या वेयर वेयर सेक्शुअल हैरेसमेंट रिजल्ट इन वायलेशन ऑफ़ फंडामेंटल राइट्स हाँ जी के वायलेशन ऑफ किसका है फंडामेंटल राइट ऑफ अ वुमेन टू इक्वालिटी कौन कौन से आर्टिकल में देखो ये सारी चीज़ें कहाँ हेल्पफुल होती है जब हमको इंटरव्यू में लिखना होता है बताना होता है या दूसरी चीज़ जब हमको मेन्स के आंसर्स करने होते हैं प्री में ज़रूरी नहीं होता है तो क्या है अंडर आर्टिकल 14 एंड 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हर राइट टू लाइफ एंड टू लिव विद डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21 तो किस चीज़ का ट्रायंगल बना है कौन कौन से सेक्शन का फोटीन फिफ्टीन एंड ट्वेंटी वन का इसमें ट्राइंगल बन गया है वो सब वायलेट होती हैं एंड वेयर एज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्शुअल हरेसमेंट एंड द राइट टू वर्क विद डिग्निटी आर यूनिवर्सली रिकोगनाइज बाई ह्यूमन राइट्स बाई इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड सच इंस्ट्रूमेंटमेंचेज कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन कौन सा कन्वेंशन आया है सारे तरह के डिस्क्रिमिनेशन जो कि वुमेन के अगेंस्ट होते हैं उसको हटा दो विच हैज़ बीन रेक्टिफाइड ऑन द ट्वेंटी फिफ्थ जून

कौनसियर में सिक्सटी फोर्थ कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है इसलिए ये सब करना बहुत जरूरी है अब इसके बाद स्टार्ट होता है प्रीलिमिनरी प्रीलिमिनरी में कितने सेक्शन से तीन सेक्शन से चैप्टर नंबर वन में तीन सेक्शन से शॉर्ट टाइटल क्या है पूरे होल ऑफ इंडिया में लगेगा देन इसके बाद चैप्टर नंबर टू तो, सॉरी सेक्शन नंबर टू बात करता है डेफिनेशन सबसे पहले ए से लेकर के जेड तक डेफिनेशन जाती है अग्रीव वुमेन कौन होती है अग्रीव वुमेन वो होती है जो एलज करती है कि उसके साथ सेक्शुल हेरासमेंट हुआ है या फिर क्या होता है इन रिलेशन टू ड्वेलिंग प्लेस हाउस अगर वो घर में ड्वेलिंग प्लेस में है उसके साथ तब और वो वहाँ पे इम्प्लॉयड है तो उसके साथ अगर सेक्शुलरसमेंट हुआ है वो एलिज uh, सॉरी वो एग्रीड वुमेन है इसके बाद आ जाती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेंगी जिसको फाइनेंस वगैरह वो होंगी और अगर कोई भी गवर्नमेंट कवर्ड नहीं है इधर तो वो स्टेट गवर्नमेंट होगी नेक्स्ट इसके बाद है चेयरपर्सन चेयरपर्सन आगे सेक्शन में डिस्कस किया गया डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सेक्शन में आगे डिस्कस किया गया डोमेस्टिक वर्कर कौन होते हैं जो हाउस होल्ड वर्क में किसी के घर पे हाउस होल्ड फॉर रिम्युनरेशन वेदर इट्स कैश और अकाइंड उसके लिए काम करते हैं डोमेस्टिक वर्कर कैश काइंड रोटी के लिए या फिर कैश के लिए देन इसके बाद जाते हैं एफ में एम्प्लॉय एम्प्लॉय को क्या कर लेते हैं वो लोग एफ कर देते हैं ऐसे याद रख लेना तो एम्प्लॉय क्या हो गया रेगुलर और टेम्प्रेरी एनी वर्क ऑन रेगुलर टेम्प्रेरी एड हॉक और डेली वेज बेसिस ठीक है वो भी एम्प्लॉय होगा जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली एजेंट के थ्रू या कैसे भी चल रहे थे एम्प्लॉय की डेफिनेशन ना एक छोटी नहीं है बहुत बड़ा हैम्बिट है नेक्स्ट एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर क्या होता है किसी भी डिपार्टमेंट में उसका हेड हो गया या फिर अगर ठीक है वो एम्प्लॉयर हो गया किसी भी डिपार्टमेंट में उसका हेड हो गया वो एम्प्लॉयर हो गया नेक्स्ट क्या है अगर वो कवर्ड नहीं है इधर तो क्या हो गया जो भी इंसान रिस्पॉन्सिबल है फॉर मैनेजमेंट सुपरविजन कंट्रोल एक तो क्या हो गया हेड हो गया मैनेजर हो गया सुपरवाइजर हो गया कंट्रोलर हो गया फिर इसके बाद मैनेजमेंट की एक्सप्लेनेशन देख लेना है और दूसरी चीज़ अगर वो कवर्ड इन रिलेशन टू वर्क प्लेस कवर्ड अगर उसको कवर कर दिया गया है तो द पर्सन डिस्चार्जिंग कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन विद रिस्पेक्ट टू हिज और हर इम्प्लॉइज ठीक है जो अपने कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लीगेशन डिस्चार्ज कर रहा है वो होगा इन रिलेशन टू अ ड्वेलिंग प्लेस और अ हाउस ड्वेलिंग प्लेस हाउस के चलते जहाँ पे ड्वेलिंग प्लेस है घर में आप किसी की काम वाली हो या काम वाला हो ठीक है इरिस्पेक्टिव ऑफ़ द नंबर टाइम पीरियड और टाइप ऑफ सच वर्क एम्प्लॉयड और द नेचर उसके नेचर वगैरह से इरिस्पेक्टिव ऑफ़ दैट ठीक है जो ड्लिंग uh, प्लेस में है वो उसका एम्प्लॉयर होगा ठीक है क्या होगा उसका वो एम्प्लॉयर होगा नेक्स्ट है इंटरनल कमेटी इंटरनल कमेटी कंप्लेन कमेटी जो है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे लोकल कमेटी आगे पढ़ेंगे मेम्बर ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे प्रिसिडिंग ऑफिसर आगे पढ़ेंगे रिस्पोंडेंट यार सेक्शुअल हरसमेंट की से, कौन से उसमें आता है सेक्शन नंबर टू क्लॉज एन क्लॉज एन में है नो फॉर सेक्शुअल हैरेसमेंट नो मींस नो सेक्शुअल हैरासमेंट के लिए क्या है नो no. तो एन से क्या हो गया सेक्शुअल हेरासमेंट हो गया उसकी डेफिनेशन तो ये याद रख लेना अब सेक्शुअल हरसमेंट की डेफिनेशन में क्या, क्या क्या कवर होता है फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांस फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेज आ गया डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्शुअल फेवर्स आ गया मेकिंग सेक्शुअली कला ट्रिमार्क शोइंग पॉर्नोग्राफी एनी अदर एन फिजिकल वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्शुअल नेचर ये सब क्या आ गया सेक्शुअल हैरेसमेंट में आ गया छू देना फिजिकल कॉन्टैक्ट कर देना ठीक है फिजिकल कॉन्टैक्ट छू देना कि सेक्सुअल फेवर्स की मैम सेक्सुअल फेवर्स से रिलेटेड है मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स ठीक है सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स कि यार ये ऐसी लग रही हैं वो वैसी लग रही हैं शोइंग पोर्नोग्राफी ठीक है पोर्नोग्राफी और एनी अदर अनवेलकम्ड फिजिकल वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर अब ये सारे भी क्या होने चाहिए अनवेलकम्ड होने चाहिए ठीक है अपनी मर्जी से देख रहे हो तो वो इसके अंडर नहीं आएगा अब इसके बाद वर्क प्लेस क्या होती है कोई भी डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट सेक्टर में हॉस्पिटल्स में स्पोर्ट्स में विजिटेड बाई एम्प्लॉयज अराइजिंग आउट ऑफ ड्यूरिंग द कोर्स देखो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप जहां जहां विजिट कर रहे हो वो सारी चीजें और उसमें डेवलिंग हाउसेज भी आ जाते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है प्राइवेट सेक्टर होता है ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर टू कंप्लीट देन इसके बाद आता है प्रिवेंशन ऑफ सेक्शुअल हैरसमेंट अब देखो फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस में सेक्शुअल harassment मे विल मे अमाउंट ठीक है अब इसमें मे अमाउंट लिखा है मस्ट और शैल नहीं लिखा है ठीक है जैसा कि सबसे पहला क्या है implied और इम्प्लिसिड और explicit प्रोमिस ऑफ प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट मैं आपको प्रीफर करूंगा दूसरों के ऊपर बिकॉज ऑफ सेक्शुअल वो तो ये क्या हो गया पॉजिटिव हो गया इसको हम पॉजिटिव लिख देते हैं इन जनरल ये पॉजिटिव है नहीं पर इससे क्या हो रहा है एक इंसान का बढ़ोतरी हो रही है दूसरा क्या है एम्प्रेसिट इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट थ्रेट ऑफ डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट ऊपर क्या था प्रिफरेंशियल इसलिए पॉजिटिव लगाया है डेट्रीमेंटल इसलिए नेगेटिव लगाया है ठीक है डेट्रीमेंटल या फिर क्या है एक्सप्लिसिट थ्रेट देखो सब में इम्प्लिसिट आ ही रहा है इम्प्लाइड आ ही रहा है अबाउट हर प्रेजेंट और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट कि आपके प्रेजेंट या फिर आपके फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट में हम हानि पहुँचा सकते हैं या फिर आप क्या कर रहे हो उनके वर्क से इंटीमिडेट कर इंटरफेरेंस in, uh, कर रहे हो और उनको इंटीमिडेट कर रहे हो हॉस्टाइल इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हो इन शॉर्ट इन सबसे आप क्या क्रिएट कर रहे हो हॉस्टाइल इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हो ठीक है क्या क्रिएट कर रहे हो हॉस्टाइल इन्वायरमेंट हॉस्टाइल वर्क प्लेस ये याद रखना नेक्स्ट इसके बाद आ गया हमारा ह्यूमिलेटिंग ट्रीटमेंट लाइकली टू अफेक्ट हेल्थ और सेफ्टी आप क्या कर रहे हो ह्यूमिलेट कर रहे हो कोई ह्यूमिलेटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हो जिसकी वजह से वो ह्यूमिलेट हो रहे हैं वो हेल्थ और सेफ्टी वर्क प्लेस पर उसको अफेक्ट कर रही हैं नेक्स्ट इसके बाद आ गया चैप्टर नंबर टू जो कि बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी इसमें सिर्फ एक सेक्शन है सेक्शन नंबर फोर और दूसरा जो सेक्शन है हम करेंगे सेक्शन नंबर फाइव से लेकर के सेक्शन नंबर एट तक ये है हमारे चार सेक्शन से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकल कंप्लेंट्स कमेटी ठीक है ये दोनों पैरेलल हम चला के पढ़ते रहेंगे अब देखो जो इंटरनल कंप्लेन कमेटी होती है वो कहाँ बनती है विद इन ऑफिस बनती है कहाँ बनती है विद इन ऑफिस बनती है इसमें इंटरनल कंप्लेन कमेटी में क्या है सारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स पर बनेगी जो रिजिक्शन कहाँ रहेगा जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स है उस ऑफिस के वहाँ वहाँ पे बनेगी अब कंसिस्ट क्या होंगे मेम्बर्स कौन कौन से होंगे तो सबसे पहला कौन होगा प्रिसीडिंग ऑफिसर जो कि एक महिला होगी सीनियर लेवल पे दूसरी चीज़ अगर सीनियर लेवल पर यहाँ पे वुमेन नहीं पड़ रही है प्रोविजोज में यह है कि सीनियर लेवल पर कोई महिला नहीं है तो क्या हो जाएगा नॉमिनेटेड फ्रॉम अदर ऑफिसर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ द वर्क प्लेस रिफर्ड टू इन सब सेक्शन वन पहला तो ये हो गया दूसरा क्या हो गया प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस द अदर ऑफिसर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ द वर्क प्लेस डू नॉट है सीनियर लेवल वुमेन वहाँ पर भी नहीं है तो क्या हो जाएगा प्रिसीडिंग ऑफिसर शैल बी नॉमिनेटेड फ्रॉम एनी अदर वर्क प्लेस कोई और अदर वर्क प्लेस से नॉमिनेट किया जाएगा फॉर एग्जाम्पल आपके कॉलेज में अगर ये कमेटी नहीं बने आपके ऑफिस में नहीं है तो दूसरे ऑफिस से लेकर के बुलाया जाएगा है तो वो महिला है वर्क इन्वायरमेंट समझते हैं कॉरपोरेट इन्वायरमेंट समझते हैं कोई भी ऑफिस का इन्वायरमेंट समझते हैं तो काम तो चल जाएगा लेकिन होना कौन चाहिए वुमेन होनी चाहिए नेक्स्ट इसके बाद है बी नॉट लेस देन टू मेंबर्स फ्रॉम एमंगस एम्प्लॉयज प्रिफरेबली कमिटेड टू द कॉज ऑफ़ वुमेन अब देखो जो दो मेंबर्स हैं ठीक है नॉट लेस और ये दोनों क्या होने चाहिए कमिटेड टू द कॉज ऑफ़ वुमेन देखो अगर वुमेन के कॉज यानी कि फेमिनिज्म से ये लोग रिलेट नहीं करेंगे तो ये लोग क्या है जस्टिस नहीं दे पाएंगे नेक्स्ट इसके बाद है वन मेंबर फ्रॉम एमंगस नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन कमिटेड टू द कॉज ऑफ़ वुमेन और अ पर्सन फैमिली विद द इशू रिलेटिंग टू सेक्शुअल हैरेसमेंट एक इंसान कौन होना चाहिए वन वुमेन एनजी से होनी चाहिए नेक्स्ट इसके बाद है द प्रिसीडिंग ऑफिसर एंड एवरी मेंबर ऑफ इंटरनल कमिटी शैल होल्ड ऑफिस फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग थ्री ईयर्स ऑफिस पीरियड कितना है थ्री ईयर्स है ठीक है नेक्स्ट इसके बाद है मेंबर्स अब इनकी फीस वगैरह क्या होगी जैसी प्रिस्क्राइब्ड होगी वैसी ही फिर इसके बाद क्लास फाइव में बात होती है रिमूवल से रिलेटेड रिमूवल से रिलेटेड क्या बात होती है कौन कौन रिमूव कर दिया जा सकता है सबसे पहले तो जो कंप्लेन की पूरी वो बता दे कि अरे इसने कब चुगलखोरी कर दे सेक्शन नंबर सिक्सटीन में वही है जो चुगलखोरी कर दे सेक्शन नंबर सिक्सटीन में क्या है कंप्लेंट शुड नॉट बी मेड नोन नोन नहीं की जाएगी कंप्लेन वरना और दिक्कतें आ सकती हैं उस महिला को और कंप्लेन जब पता ही चल जानी तो कोई कंप्लेन नहीं कर पाएगा इस चीज़ से रिलेटेड है सेकेंड क्या है अगर वो कन्विक्टेड है किसी भी ऑफेंस से थर्ड क्या है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स ली गई है उसके अगेंस्ट दूसरी लास्ट क्या है अब्यूज हिज पोजीशन सच प्रोसीडिंग ऑफिसर शैल बी रिमूव्ड और फ्रेश नॉमिनेशन्स आ जाएंगे तो ये हमारा हो गया चैप्टर नंबर टू चैप्टर नंबर थ्री भी हम इसके साथ ही साथ करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकल कंप्लेन्ट्स कमिटी कौन करेगा इसको कॉन्स्टिट्यूट बाय गवर्नमेंट अब ये कौन करेगा नोटिफिकेशन बाय गवर्नमेंट गवर्नमेंट क्या करेगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में नोटिफाई किसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि देखो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को ही आप बोलोगे कलेक्टर वगैरह को बोलोगे कि डिस्चार्ज करें फंक्शन अंडर दिस एक्ट अब वो क्या करेंगे? के डिस्चार्ज करने के लिए कमेटी तो बनाएंगे खुद तो करेंगे तो कमेटी क्या होगी तो क्या नोन होगी रिसीव ऑफ कम्प्लेन्सुअल हेरसमेंट फ्रॉम इस्टिशमेंट वेयर द इंटरनल कमेटी हैज नॉट बीन कॉन्स्टिट्यूटेड यानी कि इंटरनल कमेटी जो है वो नहीं कॉन्स्टिट्यूट हुई है तो क्या होगा ये लोकल कमेटी जो है कंप्लेंट्स लेगी अब ये लोकल कमेटी जो है कैसे कंप्लेंट्स लेगी सबसे पहले तो क्या होगा ये जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है ये एक नोडल ऑफिसर को डेजिग्नेट कर देगा ठीक है अब इस नोडल ऑफिसर के पास क्या है यहाँ से कंप्लेंट्स जाएंगी कहाँ से कहाँ कहाँ से जाएंगी एवरी ब्लॉक तालुक या तहसील में रूरल वगैरह में ये एक नोडल ऑफिसर होगा उनके पास ये सारी कंप्लेन जाएंगे ये सारी कंप्लेन नोडल ऑफिसर किसके पास भेजेगा लोकल कमेटी के पास भेजेगा विद इन द पीरियड ऑफ सेवन डेज एक हफ्ते का टाइम है ठीक है जैसे जजेस देते हैं ना टाइम ओके वन वीक टाइम पीरियड ग्रांटेड टू तो यू तो वन वीक टाइम पीरियड इज ग्रांटेड टू तो दैट नोबल ऑफिसर कि वो सारी कंप्लेन जो है वो फॉरवर्ड करे लोकल कमेटी को द जू ऑफ द लोकल कमेटी शैल एक्सटेंड टू द एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट पूरे डिस्ट्रिक्ट में हो गया वेयर इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी होगी वो क्या है इंटरनल कमेटी कंपनी लेवल की कमेटी है नेक्स्ट इसके बाद सेक्शन सेवन आ गया वो बात करें कॉम्पोजिशन वन एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ़ लोकल कमिटी लोकल कमेटी के क्या है कॉम्पोजिशन क्या क्या कंपोज करेगा टेनवर एंड अदर टर्म्स हमने ऊपर ये सारी चीज़ें एक ही सेक्शन में पढ़ी थी किसमें सेक्शन नंबर फोर में इसमें हम नोटिफिकेशन भी पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं और कॉम्पोजिशन पढ़ रहे हैं अब देखो कॉम्पोजिशन में क्या है चेयर पर्सन होगा वो कौन होगी एमिनेंट वुमेन इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क फिर इसके बाद एक मेंबर होगा वो कहाँ से होगा वुमेन वर्किंग इन ब्लॉक तालुक तहसील ब्लॉक लेवल पे एक वुमेन फिर वन प्लस वन दो लोग होंगे जिसमें से एक एन की वुमेन होगी नेक्स्ट इसके बाद क्या है प्रोविजो एटलीस्ट वन ऑफ द नॉमिनेट शुड प्रेफरली वी हैव अ बैकग्राउंड इन लॉ यानी कि एक लॉ से होगा एक एस सी से होना ही चाहिए इन सब में यानी कि वन प्लस टू कितने के तीन लोग इनमें से लॉ वाला भी चाहिए एस सी वाला भी चाहिए सब कुछ चाहिए इन्हें ये हो गया देन इसके बाद क्या है कंसर्न ऑफिसर डीलिंग विद सोशल वेलफेयर और वुमेन एंड चिल्ड चाइल्ड डेवलपमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट शैल बी मेंबर एक्स ऑफिशियो एक्स ऑफिशियो इसमें से जो है इन सब चीज़ों से रिलेटेड वो भी हो जाएगा एक मेंबर चेयर पर्सन एंड एवरी मेंबर ऑफ द लोकल कमिटी शैल होल्ड ऑफिस फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग थ्री ईयर्स ऊपर भी कितना है तीन साल इसमें भी कितना है तीन साल अब अब ये क्या है ये रिमूवल से रिलेटेड है ये हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि रिमूवल कौन कौन से केसेस में होगा नेक्स्ट है द चेयरपर्सन और मेंबर्स ऑफ द लोकल कमिटी द मेंबर्स नॉमिनेटेड अंडर क्लास बी एंड डी ऑफ द सब सेक्शन वन शैल बी एंटाइटल टू सच फीस और अलाउंसेज उनको क्या फ़ीस मिलेगी अलाउंसेज जैसे भी प्रिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट इसके बाद क्या ग्रांट्स एंड ऑडिट ग्रांट्स एंड ऑडिट कौन करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी कौन करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी जैसा भी उन्हें सही लगता है नेक्स्ट इसके बाद क्या है स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी एक एजेंसी सेटअप करेगी जो कि क्या ट्रांसफर करेगी ग्रांट्स जो कि ऊपर हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेंगे और डिस्ट्रीब्यूट किसके द्वारा किए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उनकी एजेंसी से एजेंसी किसको पे करेगी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को पे करेगी ठीक है जो आगे क्या करेंगे मेंटे, आगे पे करेंगे अकाउंट्स ऑफ द एजेंसी रिफर्ड टू इन सबसेक्शन टू शैल बी मेंटेन एंड ऑडिटेड कौन करेगा अकाउंटेंट जनरल ऑफ द स्टेट स्टेट से रिलेटेड है ये स्टेट इसको पैसे को इधर उधर कर रही है तो कौन करेगा अकाउंटेंट जनरल ऑफ स्टेट नेक्स्ट इसके बाद है क्या चैप्टर नंबर फोर चैप्टर नंबर फोर में आता है कंप्लेंट ऑफ सेक्शुअल हैरेसमेंट उसके बाद जब कंप्लेन आ जाती है दो लोगों की तो उनके बीच में क्या होता है कंसीलिएशन होता है तो कंसीलिएशन है और इंक्वायरी इनटू कंप्लेन यानी कि कंसीलिएशन जहाँ पे फेल हो जाता है तो इंक्वायरी पे जाएंगे तो सबसे पहले कंप्लेन जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड या तो इंटरनल कमिटी को या तो एलसी को किस कैसे दी जाएगी रिटर्न में दी जाएगी कैसे दी जाएगी रिटर्न में दी जाएगी रिटर्न में दी जाएगी तो कितने टाइम पीरियड का लिमिटेशन है तीन महीने का लिमिटेशन है समझ में आ गया फिर इसके बाद जो रीजनेबल मतलब जो कंप्लेन नहीं कर पा रहा है लिखित में उसको रीजनेबल असिस्टेंस दिया जाएगा इसके साथ साथ एक्सटेंड कर सकते हैं ये तीन महीने का टाइम पीरियड इसमें इसके प्रोविजो में अगर क्या है सेटिसफाई है कि दैट द सर्कमस्टांसिस व सच विच प्रिवेंटेड द वुमेन फ्रॉम फाइलिंग अ कम्प्लेंट यानी कि उसके साथ कुछ ऐसी घटना हो रही थी जिसकी वजह से वो कंप्लेन नहीं फाइल कर पाई क्लास टू में क्या है लीगल एयर से रिलेटेड है कि अगर कि क्या है अनेबल टू मेक अ कंप्लेन तो जो या या तो उसकी डेथ हो जाती है तो हर लीगल एयर्स जो है वो करेंगे कंप्लेंट इन राइटिंग नेक्स्ट इसके बाद है सेक्शन नंबर टेन सेक्शन नंबर टेन बात करता है कंसिलियशन से रिलेटेड जिसमें प्रॉपरली बात होती है सेटलमेंट की ठीक है स्टेप्स लिए जाएंगे क्या करने के लिए सेटल द मैटर बिटवीन देम अब इसमें सेटल करने होंगे मैटर ठीक है तो प्रो, देखो प्रोवाइडेड दैट नो मॉनेटरी सेटलमेंट शैड बी मेड एज अ बेसिस ऑफ कंसिलियेशन देखो मॉनेटरी सेटलमेंट मिल सकता है पर वो बेसिस नहीं होना चाहिए कंसीलेशन का कि हम आप लोग को आपको एक लाख रुपए देते हैं आप बात खत्म करो ये बेसिस नहीं होना चाहिए नेक्स्ट क्लास टू बात करता है वेयर द सेटलमेंट हैज़ बिन अराइव्ड अंडर सबसेक्शन वन तो इंटरनल या फिर लोकल कमिटी जो है वो क्या करेगी देखो सेटलमेंट हो गया है तो रिकॉर्ड करेगी सेटलमेंट को फॉरवर्ड कर देगी उसकी कॉपीज वगैरह जो है किसको एम्प्लॉयर या फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एम्प्लॉयर कौन से केस में आईसी के, के केस में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर किसके केस में अरे एल के केस में लोकल कमेटी के केस में फिर इसके बाद आई क्या करेगी कॉपीज़ प्रोवाइड करेगी किसको एग्रीड वुमेन को और रिस्पोंडेंट को उनको कॉपीज़ वगैरह दे दी जाएंगी और बाकी आगे कोई फर्दर इंक्वायरी नहीं होगी अब इसके बाद बात होती है इंक्वायरी इनटू कंप्लेन अब इंक्वायरी इनटू कम्प्लेन कब होगी जब ऊपर मामला सुलटा नहीं है तो क्या हो जाएगी इंक्वायरी इनटू कम्प्लेन हो जाएगी है ना सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर टेन ऊपर जो है सेक्शन नंबर टेन उसके प्रोविजन से रिलेटेड नो मोनिट्री सेटलमेंट से रिलेटेड जहां पे रिस्पोंडेंट इज द एम्प्लॉय प्रोसीड टू मेक इंक्वायरी इन टू द कम्प्लेन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन्स अब कौन से प्रोविजन्स लगेंगे इंक्वायरी करने के लिए सर्विस रूल्स क्या लगेंगे सर्विस रूल एप्लीकेबल टू द रिस्पॉन्डेंट जो भी रिस्पोंडेंट पे सर्विस रूल्स लगेंगे यानी कि उनके सर्विस से रिलेटेड सर्टेन रूल्स होंगे वो लगेंगे ठीक है एंड डोमेस्टिक वर्कर या फिर जैसा भी केस है द लोकल कमेटी शैल इफ़ प्राइम ऑफिस केस एग्जिस्ट लोकल कमेटी क्या करेगी अगर प्राइम ऑफिस केस एग्जिस्ट करता है तो कंप्लेन के इसके पास भेज देगी पुलिस को विद इन अ पीरियड ऑफ सेवन डेज कितना दिन लगेगा इसको भेजने में पुलिस को एल सी आई सी किस को भेज देगी पुलिस ऑफिसर को कितने दिन में सेवन डेज में अगर केस बन रहा है तो समझ में आ गया और फिर उसके बाद क्या होगा रजिस्टर किया जाएगा केस किसके के अंडर सेक्शन 509 वो वूमेन से रिलेटेड है ठीक है सेक्शन नंबर 509 ऑफ आईपीसी पाँच सौ नौ फाइवी से किसके बारे में बात करता है वुमेन से रिलेटेड वुमेन को पाँच फिर इसके बाद थ्री फिफ्टी और फोर किसके बारे में बात करता है मॉडेस्टी से रिलेटेड बात करता है अभी किससे बात करता है किससे रिलेटेड एनी एक्ट जेस्टर क्या है वर्ड जेस्टर एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी वुमेन मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन को हर्ट करने के लिए ठीक उस है उससे रिलेटेड बात करता है उसी से रिलेटेड इसमें है तो क्या हो जाएगा उसमें केस रजिस्टर हो जाएगा अब इसका प्रोविजो क्या है अगर देखो प्रोविजो ये है कि एज द केस में भी दैट एनी टर्म और कंडीशन ऑफ सेटलमेंट टर्म कंडीशन ऑफ सेटलमेंट जो है अंडर ऊपर वाले सेक्शन में हैज़ नॉट बिन कम्प्लाइड विद अगर देखो ऊपर क्या है पहला तो क्या है कि प्राइम ऑफिस केस बन रहा है रजिस्टर कर दो दूसरा क्या है सेटलमेंट हो गया उसके बाद भी इंक्वायरी वगैरह हो सकती है कब हो सकती है अगर रिस्पोंडेंट जो है वो टर्म ऑफ द सेटलमेंट से वो नहीं कर रहा तो भी इंक्वायरी हो सकती है कंप्लेन में नेक्स्ट क्या है दोनों पार्टीज को सुना जाएगा बोथ द पार्टीज आर इम्प्लॉयज ये कहाँ पे आता है ऑडी आल्ट पार्टम में कि बोथ द पार्टीज शुड बी हर्ड नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड ठीक है फिर इसके बाद क्या है द कोर्ट में वन द रिस्पांडेंट इज कन्विक्टेड पाँच सौ नौ में अगर रिस्पॉन्डेंट जो है वो कन्विक्ट हो जाते हैं तो ऑर्डर करेगा पेमेंट ऑफ सच सम्स क्या सम्स अरे पैसे दिए जाएंगे वुमेन को क्यों क्योंकि वो क्या है एग्रीव्ड वुमेन है पैसे दिए जाएंगे अग्रीव वूमेन को नेक्स्ट क्या है फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग इंक्वायरी इक्वायरी अंडर सबसेक्शन वन इंटरनल कमेटी लोकल कमेटी जो क्या करेगी देखो पावर क्या है इसकी आई सी इज इक्वल्स टू एल सी यानी कि इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी की पावर सेम है किस किस चीज़ से रिलेटेड समान करना इन्फोर्स करना किस चीज़ के लिए अटेंडेंस के लिए रिक्वायरिंग डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स को भी आप मंगा सकते हो आदमी को भी आप मंगा सकते हो अदर मैटर जो भी उन्हें काम है उससे रिलेटेड और इंक्वायरी से रिलेटेड तो है ही इंक्वायरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम जो जो चीज़ें इसमें पढ़ रहे हैं इंक्वायरी से ही रिलेटेड इंक्वायरी के ही पर्पज़ से आप क्या करोगे इंसान को भी बुलाओगे आप क्या करोगे सारी डॉक्यूमेंट्स को भी बुलाओगे और जो भी चीज़ें हैं प्रिस्क्राइब्ड उससे रिलेटेड आपके पास सारी पावर्स हैं हमारा लास्ट चैप्टर जो है वो सेक्शन नंबर इलेवन में कंप्लीट हो गया है इंक्वायरी इंटू कम्प्लेंट अब इसके बाद आता है चैप्टर नंबर फाइव जिसमें है सेक्शन नंबर ट्वेल्व से लेकर के सेक्शन नंबर एटीन जो कि बात करता है इंक्वायरी इनटू कंप्लेन सेक्शन नंबर ट्वेल्व से लेकर के एटीन इंक्वायरी इनटू कंप्लेन कंप्लेन के लास्ट में आ जाता है अपील ये वाला सेक्शन याद रखना अपील तो ये किस बारे में बात कर रहे हैं ड्यूरिंग एंड पोस्ट इंक्वायरी इन टू ड्यूरिंग या फिर पोस्ट इंक्वायरी सबसे पहले क्या आता है ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी जब इंक्वायरी पेंडिंग pen, है तो वुमेन की सेफ्टी से रिलेटेड है इसमें क्लॉज वन में कि ट्रांसफ़र कर देंगे अग्रीव वुमेन को एनी अदर वर्क प्लेस पर लीव दे देंगे छुट्टी दे देंगे कितने टाइम की तीन महीने की अप टू अ पीरियड ऑफ तीन महीने की तीन महीना बहुत होता है ग्रांट सच अदर रिलीफ अदर रिलीव दे दिया जाएगा वुमेन को जैसी भी प्रिस्क्राइबड होंगी और जो लीव ग्रांटेड है वो एडिशन टू लीव होंगी वॉट शी नॉर्मली हैज़ ठीक है फिर इसके बाद क्या है इंटरनल कमेटी लोकल कमेटी जैसा भी केस बताती इंप्लॉय शैल इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन मेड अंडर सेक्शन सब सेक्शन वन ठीक है और इसके बाद रिपोर्ट वगैरह जो है इम्प्लीमेंटेशन के बाद सेंड कर देनी है इन लोगों को इसके बाद क्या है सेक्शन नंबर थर्टीन वो बात करते हैं इंक्वायरी रिपोर्ट इंक्वायरी रिपोर्ट ये किसके बारे में है इंक्वायरी हो चुकी है अब क्या होगा ये इंक्वायरी के दौरान वाला सेक्शन था ये इंक्वायरी हो, हो, हो चुकी है अब क्या होगा अगर इंक्वायरी हो चुकी है ठीक है इंक्वायरी किस में तो जो इम्प्लॉयर होगा आई में और एल में क्या होगा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ठीक है ये दोनों का हो गई दोनों दोनों की अथॉरिटीज़ हो गई दस दिन में क्या कर देंगी सेंड कर देंगी कंप्लीशन आफ्टर द टेन डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी उस रिपोर्ट को अवेलेबल कर देंगी कंसर्न पार्टीज़ को दोनों को रिपोर्ट अवेलेबल करा देंगी अब देखो रिपोर्ट तो आ गई है अगर नहीं प्रूव होता है तो क्या करेगा कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा पर अगर प्रूव हो जाता है तो एक्शन लिया जाएगा शैल रिकमेंड द एम्प्लॉयर और द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर किस चीज़ के लिए टेक एक्शन फॉर सेक्शुअल हैरसमेंट अकॉर्डिंग टू सर्विस रूल पहले तो ये पता चलेगा डिडक्ट कर देंगे उसकी क्या सैलरी वेजेस और दे देंगे सामने वाले को ठीक है प्रोवाइडेड अगर एम्प्लॉयर जो है अब ये सारे केसेस किस चीज़ से रिलेटेड आ गए एम्प्लॉयर अगर पैसे नहीं दे पाता है हम पैसे नहीं दे पा रहे हैं तो वो प्रोविजोज में आ गया जनरली क्या है पैसे देने हैं प्रोविजो में क्या आ गया पैसे नहीं दे पा रहा है एबसेंट फ्रॉम ड्यूटी है वगैरह वगैरह तो किसको मिल जाएगा एग्रीव वुमेन को पैसा मिल जाएगा दूसरी चीज़ है रिस्पोंडेंट अगर फेल कर जाता है पे करने से तो क्या हो जाएगा उसके जो एरियर्स ऑफ लैंड है ना उसके एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू कितने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर उसे लेगा यानी कि पैसा तो मिलना है चाहे तुम काम करके लो चाहे तुम्हारी जमीन से हम लेंगे बस उतनी बात है ठीक है फिर इसके बाद क्या होगा साठ दिन के अंदर रिसिप्ट जो है वो उसको दे दी जाएगी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रिकमेंडेशन के बाद साठ दिन के अंदर उसको रिसिप्ट दे देंगे अब इसके बाद सेक्शन नंबर फोर्टीन में बात होती है पनिशमेंट फॉर फॉल्स और मेलिशियस कंप्लेन एंड फॉल्स एविडेंस ऊपर क्या होगी कंप्लेन के दौरान दूसरा इंक्वायरी के ऊपर इंक्वायरी के दौरान दूसरा इंक्वायरी के, के बाद पर अगर ये पता चलता है कि फॉल्स है तो झूठे के लिए भी तो होना चाहिए तो झूठी कंप्लेन बाय वुमेन है झूठी झूठी गवाही बाय विटनेस है तो उससे रिलेटेड बातें हैं पहला तो क्या है मलिशियस वगैरह होगा तो एक्शन लिया जाएगा किसके अगेंस्ट वुमेन्स के, के अगेंस्ट लिया जाएगा सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग ठीक है मेयर इनेबिलिटी अगर मेयरली ड्यू टू सम सर्टेन रीजंस की प्रूव नहीं हो पाता है दैट डजेंट मीन इनेबल है दैट डजेंट मीन झूठी है बट हमारे में क्या होता है नॉट गिल्टी अनटिल प्रूव ठीक है तो हम लोग गिल्टी तो बीच में कहीं छूट जाते हैं तो उसके लिए ना वुमेन को प्रॉब्लम पड़ेगी ना उस बंदे को प्रॉब्लम होगी जिसने हेरसमेंट किया है या नहीं किया है जो कि क्वेश्चनेबल है प्रोविजो में एक और चीज़ है मैलिशियस इंटेंट ऑन पार्ट ऑफ द कम्प्लेन शैल बी स्टैब्लिश आफ्टर एन इंक्वायरी ठीक है उसके बाद लिया जाएगा अब विटनेस ने अगर फॉल्स एविडेंस दिया है एनी फोर्स या मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट दी है ये सारी चीजें की है तो क्या हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर क्या करेगा टेक एक्शन इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ सर्विस रूल्स उसके अकॉर्डिंग प्रोविजन लेंगे नेक्स्ट इसके बाद क्या है डिटर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन कॉम्पनसेशन पंद्रह में कितना होना चाहिए अरे उतना होना चाहिए मेंटल ट्रॉमा लॉस इन करियर अपॉर्चुनिटी मेडिकल एक्सपेंसेस इनकम एंड फाइनेंशियल स्टेटस फिजिबिलिटी ऑफ सच पेमेंट इन सब से रिलेटेड इन सबको देखते हुए आपका कॉम्पनसेशन डिटामाइन हो जाएगा देखो कॉम्पनेशन डिटामाइन करने के लिए ये स्पेशल प्रोविजंस नहीं ये जनरल प्रोविजन्स है जो कि हर केस में लगते हैं नेक्स्ट इसके बाद सेक्शन नंबर सिक्सटीन और सेवेंटीन जो है वो बात करता है पब्लिकेशन से रिलेटेड सेक्शन नंबर सिक्सटीन बात करता है पब्लिकेशन पे प्रोहिबिशन ऑन द कंटेंट्स ऑफ कम्प्लेंट आरटीआई एक्ट है वो गया तेल लेने पर ये सब चीज़ें जो है वो बताई नहीं जाएंगी ठीक है दूसरी चीज है सेक्शन नंबर सेवेंटीन पेनाल्टी फॉर पब्लिकेशन और मेकिंग नोन कॉन्टेंट्स ऑफ कंप्लेन एंड इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स इससे रिलेटेड क्या है पेनल्टी वेयर एनी पर्सन इंटरेस्टेड विद द ड्यूटी टू हैंडल और डील विद द कंप्लेन इंक्वायरी जो भी पर्सन है इंटरेस्टेड है हैंडल करने के लिए डील करने के लिए ठीक है और वो क्या कर देता है ये पब्लिशाइज कर देता है तो उसको क्या होगी लाइबल फॉर पेनाल्टी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ठीक है सर्विस रूल्स में पेनाल्टी वगैरह दी हुई है नेक्स्ट इसके बाद है सेक्शन नंबर एटीन जो कि बात करता है अपील से रिलेटेड एनी पर्सन एग्रीड फ्राम द रिकमेंडेशन मेड अंडर सबसेक्शन टू ठीक है देखो नाइन्टी डेज़ में अपील अपील हो जाएगी कौन अपील लेगा जो भी अग्रीवड है वो ही अपील लेगा सिंपल सी बात है यहाँ तक हमारा क्या हो जाता है चैप्टर खत्म हो जाता है एटीन में कहाँ से लेकर के स्टार्ट हुआ है सेक्शन नंबर ट्वेल्थ से लेकर के सेक्शन नंबर एटीन दोनों ईवेन नंबर से स्टार्ट हो रहा है ईवन नंबर पे एंड हो रहा है इंक्वायरी इनटू कंप्लेन नेक्स्ट इसके बाद आता है चैप्टर चैप्टर नंबर नंबर और बात करते हैं दोनों ड्यूटीज़ के बारे में ऊपर एम्प्लॉयर की की दूसरी नीचे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर वैसे ही जैसे इधर से रिलेटेड रिलेटे है अब देखो, और से रिलेटे बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें कि सेफ वर्किंग जनरल चीजें यार पढ़ लेना नेसेसरी फैसिलिटी ये सारी देखो जितनी चीज़ें ज़रूरी हैं अपने अराउंड वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करना मॉनिटर ये सारी चीज़ें नेक्स्ट उसके बाद है चैप्टर नंबर सेवन ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की जो ड्यूटीज़ एंड पावर है वो क्या होंगी पहला तो क्या है रिपोर्ट से रिलेटेड ठीक है फर्निश करना रिपोर्ट बाय लोकल कमेटी दूसरा क्या है एनजीओस वगैरह को क्या करना है नेसेसरी uh, इंगेज करना है फॉर क्रिएशन ऑफ अवेयरनेस ऑन सेक्शुअल हैरेसमेंट इन सब चीज़ों से रिलेट करना है नेक्स्ट इसके बाद आ गया लास्ट चैप्टर नंबर एट जो कि मिसलेनियस है और इसमें कितने सेक्शंस आते हैं इसमें आते हैं सेक्शन थर्टी तक ठीक है तो टोटल कितने सेक्शंस हो गए इसमें सेक्शन नंबर थर्टी तो इसको स्टार्ट करते हैं मिसिलेनियस कमेटी टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट हर एक जो कमेटी बनेगी उसको एनुअल रिपोर्ट अपनी सबमिट करनी होगी ठीक है एंड सबमिट द सेम टू द एम्प्लॉयर एंड द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर दोनों किसको सबमिट करनी होगी एम्प्लॉयर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को नेक्स्ट इसके बाद है इंप्लॉयर टू इंक्लूड इफॉर्मेशन इन एनअल रिपोर्ट अब इंप्लॉयर को भी एनुअल रिपोर्ट में इंफॉमेशन वगैरह डालनी होगी ट्वेंटी थ्री में अप्रोप्रेट गवर्नमेंट टू मॉनीटर इंप्लीमेंटेशन एंड मैटेन डाटा अब देखो इनकी ड्यूटी तो आपने बोल दिया अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की इनको सब कुछ इंप्लीमेंट करना होगा पर क्या है मॉनिटर भी करना होगा और मैंटेन करना होगा डाटा रिगार्डिंग टू सेक्शुअल हैरसमेंट और वर्क प्लेस वाले केसेस से रिलेटेड फिर इसके बाद आ जाता है सेक्शन नंबर ट्वेंटी फोर जो कि बात करता है मेजर्स टू द पब्लिक टू पब्लिसाइज द एक्ट एक्ट को पब्लिसाइज करने के लिए सर्टेन मेजर्स यानी कि एजुकेशन हम लोग जो अभी क्या करें पब्लिसाइज ही कर रहे हैं एक्ट को वही सारी चीज़ें करनी है नेक्स्ट इसके बाद ट्वेंटी फाइव बात करता है पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स अगर आपको रिकॉर्ड्स देखने हैं तो आपके पास क्या होनी चाहिए पावर होनी चाहिए ठीक है अब देखो कॉल फॉर द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑन बींग सैटिस्फाइड ठीक है सेटिस्फाइड हो गया कि पब्लिक इंटरेस्ट में बहुत ज़्यादा नेसेसरी है इन द इंटरेस्ट ऑफ वुमेन एम्प्लॉइज में भी बहुत ज़्यादा नेसेसरी है तो बाई ऑर्डर इन राइटिंग क्या कर देंगे कॉल अपॉन एनी इम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर टू फर्निश इन राइटिंग सच इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सेक्शुअल हैरसमेंट वो क्या कर सकते हैं चाहेंगे तो बुला सकते हैं एनी इंफॉर्मेशन नेक्स्ट इसके बाद क्या है ऑथराइज एनी ऑफिसर टू मेक इंस इंस्पेक्शन सुमोटो खुद से कर सकते हैं इंस्पेक्शन के लिए ऑथराइज़ कर सकते हैं और प्रोड्यूस ऑन डिमांड ठीक है इम्प्लॉयर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर प्रोड्यूस ऑन डिमांड बिफोर ऑफिसर मेकिंग द इंस्पेक्शन नेक्स्ट इसके बाद क्या है सेक्शन नंबर ट्वेंटी सिक्स पेनाटी फॉर नॉन कंप्लायंस विद द प्रोविजंस कितनी पेनाटी है पचास हज़ार है पेनल्टी नेक्स्ट इसके बाद क्या है कि ट्वाइस द ट्वाइज ट्वाइस द पनिशमेंट हो जाएगी अगर फिर से ऑफेंस हुआ तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई और लाइसेंस और विड्रॉल वगैरह हो सकता है क्या कैंसिलेशन हो सकता है लाइसेंस का विड्रॉल हो सकता है और नॉन रिनील हो सकता है उनके लाइसेंस का फिर इसके बाद है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय कोर्ट तो कोई भी कोर्ट जो है कॉग्निजेंस नहीं लेगा फिर इसके बाद क्या नो कोर्ट इन्फीरियर टू दैट ऑफ अट्रो एम एम और अ जे एम ऑफ द फर्स्ट क्लास शेल ट्राई एनी ऑफेंस पनिशबल अंडर दिस एक्ट सेक्शन नंबर ट्वेंटी एट में है एक्ट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ एक्ट किसी और लॉ के डेरोगेशन में नहीं है नेक्स्ट इसके बाद क्या पावर ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स सेक्शन नंबर ट्वेंटी फाइव बात करता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पावर है रूल्स बनाने की तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा नोटिफिकेशन से ऑफिशियल गेजेट में निकालेगा मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट ये एक्ट है एक्ट में आपने कई जगह लिखा हुआ है ना सर्विस रूल्स तो उससे रिलेटेड है ये ठीक है सर्विस रूल से रिलेटेड तो फीस अलाउंस ये सारी चीज़ें पढ़ लेना कि इन सब चीज़ों से रिलेटेड है सारे रूल से रिलेटेड बनाएगा नेक्स्ट इसके बाद सेक्शन नंबर थर्टी जो कि लास्ट है ठीक है डिफिकल्ट नहीं है वो क्या करेगा पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज एनी डिफिकल्टी जो भी अराइज़ हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है ऑफिशियल गैजेट से निकाल करके क्या कर सकता है उसको दूर कर सकता है प्रोविजो क्या है एंड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ टू ईयर्स नो सच ऑर्डर कोई भी ऑर्डर इस एक्ट के आने के बाद दो साल बाद नहीं बनाया जाएगा ये इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है इसीलिए मिसलेनियस में है तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो मैंने सेक्शन नंबर वन से थर्टी तक कम्प्लीट कर लिया है बाकी सारी वीडियोज़ विद ट्रिक्स आती रहेंगी और शॉर्ट में मैंने आपको ये पूरा बेयर एक्ट के थ्रू पढ़ा दिया है अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं देखो बेयर एक्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट है तो अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब थैंक यू